हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति डायरीज में मैं प्रीति जी आप लोग का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं कि मैं अभी छत पर हूँ। हाँ, सुबह में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है छत पर थोड़ी देर टहलना। अभी मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं। तो चलिए, अब मैं जाऊँगी किचन में। अब भी मैं बनाने वाली हूँ मूँग दाल के चीले, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, पहले एक एलोवेरा ले लेंगे क्योंकि हम इसे डेली यूज करते हैं अपने फेस के लिए। बिहार का स्पेशल सत्तू पराठा, जिसके लिए मैंने सत्तू ले लिया है। सत्तू में मिलाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी प्याज, हरी मिर्च और लहसुन, अदरक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से बारीक काट लेंगे। इन कटी हुई सारी चीज़ों को सत्तू में मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, जो कि बहुत ही टेस्टी बना देता है सत्तू को। सरसों, नमक टेस्ट के अनुसार, नींबू का रस। खटाई के लिए आप अचार का मसाला भी डाल सकते हैं। अभी मेरे घर में अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने नींबू का रस डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे सबसे ज़रूरी, जो कि सत्तू को बहुत ही टेस्टी बना देता है, सरसों तेल। सरसों तेल डालने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो सरसों तेल डालकर इसे अच्छे से मिक्स, हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं आटा गूंदने के लिए। आटा में हम थोड़ी सी नमक और ऑयल डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट आटा गूंदकर रेडी कर लेंगे। आटा तैयार हो चुका है। अब हम चटनी की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन। आप पका हुआ टमाटर भी ले सकते। धनिया पत्ता, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, चटनी तैयार है। तैयार नहीं है अभी, हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। चटनी का कलर कितना सुंदर लग रहा है। सरसों तेल हमने डाल दिया है। अब ये बहुत ही चटपटा और टेस्टी बनकर रेडी हो गया है। देखिए, तेल डालने के बाद इसका कितना अच्छा रंग आया है। अब बनाएंगे हम पराठा। तो इसके लिए छोटी छोटी लोई तैयार करके उसके अंदर सत्तू को भरेंगे। सत्तू भरने के बाद उसे अच्छे से गोल रोटी के तरह हम बेल लेंगे। बेलन की सहायता से धीरे धीरे बेलेंगे ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि इसके अंदर सत्तू भरा हुआ है। अगर इसे ज़ोर से बेलेंगे तो फिर ये फट भी सकती है। तो इसीलिए इसे धीरे धीरे बेल कर रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम बिल्कुल गोल बेल लेंगे और तवे पर डाल देंगे। इस पराठे को अच्छी तरह से सेक लेंगे। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। ऑयल लगाकर या घी लगाकर आप इसे अच्छे से सेक लें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग। बिहार में ये बहुत ही फेमस है सत्तू पराठा। लिट्टी चोखा ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं किसी और दिन आपको लिट्टी चोखा भी बनाकर आप लोग को दिखाऊंगी। तो इसी तरह मैंने सारे पराठे बना लिए हैं और स्मेल भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ देख लीजिए कि रेडी हो चुका है आप लोग के लिए है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए है। आप लोग भी प्लीज़ इसे पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सब्सक्राइब।